हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? माय नेम इज़ प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिटनेस वाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फोरआर्म्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फोरआर्म्स का वर्कआउट, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि आप सर फोरआर्म्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज की जो वीडियो है वो फोरआर्म्स के ऊपर होने वाली है। वैसे तो दोस्तों अगर हम फोरआर्म्स की बात करें तो आप जनरली हर सेट में आपके फोरआर्म्स थोड़ा थोड़ा ट्रेन होते रहते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है वो स्पेशल फोरआर्म्स को आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं तो उसके ऊपर होने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों आइए हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं फोरआर्म्स के ऊपर। मैं इस वीडियो में तीन ऐसे सेट बताऊंगा जो आपके फोरआर्म्स को अच्छे से ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फोरआर्म्स का पहला वर्कआउट, आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी एक रॉड की, या फिर आप डंबल से भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये वर्कआउट रॉड से करके दिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली इस तरीके से पकड़ना है रॉड को, सिंपली इस तरीके से पकड़ लेना है, और एक बेंच की ज़रूरत होगी आपको इस तरीके से। ओके दोस्तों, आपको बस अपना फोरआर्म्स जो है इस तरीके से नीचे लेके जाना है अच्छे से, और इस तरीके से ऊपर लेके आना है। दोस्तों पूरा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए मसल का, ऐसे नीचे लेके जाइए और ऐसे ऊपर लेके आइए। दोस्तों इसके आपको तीन सेट लगाने हैं, और हफ्ते में आप दो बार ही ट्रेन किया करें, दो से तीन बार फोरआर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप इसको ट्रेन ना किया करें, क्योंकि जब आप बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं या ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपके वर्कआउट में दोस्तों फोरआर्म्स भी ट्रेन होता रहता है, क्योंकि दोस्तों मूवमेंट सबसे ज़्यादा फोरआर्म्स का ही होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फोरआर्म्स आपके जो भी वर्कआउट होता है तो थोड़ा थोड़ा उनमें भी उसकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपको इस सेट को डंबल से करके दिखाऊं दोस्तों, तो डंबल से आप इस तरीके से डंबल लीजिए और ये ऐसे डंबल नीचे लेके जाइए, फिर ऐसे ऊपर। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप डंबल को नीचे लेके जाइए, फिर ऐसे ऊपर लेके आइए। देखिए ये ऐसे नीचे, ये ऐसे ऊपर। आपको समझ में आ गया दोस्तों? इसमें आप थोड़ा सा हैवी वेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो लाइट वेट का ही इस्तेमाल किया करें, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो थोड़ा सा हैवी वेट इसमें लगा सकते हैं, और इससे आपका जो फोरआर्म्स है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करने लगेगा। जो बीच की जो लाइनिंग होती है दोस्तों, ये लाइनिंग, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब जो दूसरी एक्सरसाइज होती है दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, वो भी आप इसी पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपको रिवर्स करना है दोस्तों इस तरीके से, ये जस्ट लाइक दिस। दोस्तों इस तरीके से आपको रिवर्स करना है, आपको अपने हैंड का जो पाम होता है उसको इस तरीके से मोड़ देना है, और ये इस तरीके से ऐसे लिफ्ट करना है। लिफ्ट डाउन, लिफ्ट डाउन, लिफ्ट डाउन। इस तरीके से भी दिखा देता हूँ इस हैंड से, देखो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है इस तरीके से नीचे, जस्ट लाइक एक्सीलरेटर इस तरीके से। तो इसके भी आपको, जिस दिन आप फोरआर्म्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसके भी आपको तीन सेट लगाने हैं, और फेलियर तक जाना है दोस्तों। और ये बैठ के नहीं करना है दोस्तों, आप खड़े होकर भी इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये बैठ के करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बेंच है, आप इसको खड़े होकर अगर आप एडजस्ट हो सकते हैं तो खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो भी आप डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, एक हैवी डंबल लेना है जस्ट लाइक दिस, ये आपको हैवी डंबल लेना है दोस्तों, और अपने आर्म्स को इस तरीके से लटका लेना है और ये रोटेट करना है इस तरीके से, पूरा फुल रोटेशन देना है आर्म्स को इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी फोरआर्म्स की जो शेप होती है उस शेप में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाने फोरआर्म्स के तीन ऐसे सेट जिनको आप फोरआर्म्स जब ट्रेनिंग कर रहे हो तभी इनको परफॉर्म किया करें, अदरवाइज़ आप फोरआर्म्स की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग ना करें, क्योंकि फोरआर्म्स आपको पता है जब आप बाइसेप्स या ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं तो उनमें भी आपकी ट्रेनिंग होती रहती है, फोरआर्म्स की थोड़ा थोड़ा ट्रेन होता रहता है, और छोटी मसल है तो इसलिए इसको थोड़ा कम ट्रेन किया करें। और हफ्ते में आप इसके दो से तीन बार इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग ना दें। और अगर जब जिस दिन आप ट्रेनिंग दे रहे हो उस दिन अच्छे से ट्रेनिंग दें। बस यही था दोस्तों फोरआर्म्स के ऊपर वीडियो, और भी दोस्तों और फोरआर्म्स की एक्सरसाइजेज हैं। पहले आप ये तीन जो बेसिक एक्सरसाइज हैं उनको आप और कवर कीजिए।
अगर मैं और एक्सरसाइज बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो और एक्सरसाइजेज एडवांस लेवल की वो मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, और अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही मिलता रहूँगा आपको वीडियोज़ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।